Woman. A woman is a daughter, a mother, a wife, and a partner of a man. They are the real architects of our society. Women are the most beautiful creatures in the whole world. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीरीन नकवी है। सदफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी बड़े मुश्किल सवालों के जवाब देने की। पहला सवाल है, व्हाट कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू योर जर्नी? तीन फैक्टर्स थे। एक तो चाहत, लगन, एक मकसद के साथ, बहुत बड़े मकसद के साथ, जो मेरी ज़िंदगी में तो नहीं पूरा होगा, ज़ाहरी बात है वो तो मुझे पता ही है, लेकिन उसका जो सफ़र है, उसकी तरफ जाना, उस पर खेलना, ये। दूसरा, मेरी फैमिली का, मेरे मियाँ माँ बाप, मेरे बच्चों का जो इन्फिनिट सपोर्ट, जो किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकती, या ये क्या फजूल बात है, या तुम्हें क्या मिलेगा बेढंगी बातें, बिल्कुल बेढंगी। और तीसरी चीज़, विल पावर। जितनी ख्वाहिश हो आपको अपने मोहब्बत, अपने मकसद से, और आप सारी चीज़ों को साथ लेके चले, सारी ज़िंदगी को एक तरफ ना कर दें मकसद की तरफ, अपने मियाँ बच्चे सब सबको साथ लेके चले इस मकसद में। दूसरा सवाल, कुछ ऐसी आदत जो मैं फॉलो करती हूँ और शायद किसी के लिए हदायत बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हदायत बचपन से बेतहाशा सीखा अम्मी अब्बा से, अम्मी से डिसिप्लिन, ट्रस्ट एंड लव, और अब्बा से यही चीज़ें और गैरत। आगे जाके जब मैं मैनेजमेंट लैंग्वेज में आई तो मुझे सिखाया गया कि पोल का कुछ होता है, प्लानिंग, यानी जो भी आपने करना है उसको प्लान करें, आगे की सोचें, मंसूबा बंदी करें, वक्त के हिसाब से लिस्टें बनाएं, जो चीज़ मटेरियल चाहिए, जो टीम की कैपेबिलिटीज़ चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्केट चाहिए, मेथड, मिनट, सबको जो चाहिए तैयारी करें, ऑर्गेनाइज करें, उन सारे रिसोर्सेज को अपने साथ लेके आए, इकट्ठा करें, तैयारी करें, लीड करें, विजन के साथ रहें, उसकी ओनरशिप लें। लीडिंग में क्या होता है, विजन, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो तो आपके हाथ में नहीं, वो तो हो गई, अब उसका करना क्या है उसकी जिम्मेदारी उठाएं, ये चीज़ें होती हैं। फिर कंट्रोल, जो भी वक्त का कंट्रोल, ज़ाया ना करना किसी चीज़ को भी, सब कुछ का कंट्रोल, और फिर अचीव, और जब तक मिल ना जाए, हो ना जाए, लगे रहो, डट के लगे रहो। सदफ आपका तीसरा सवाल, व्हाट आर द मिस्टेक्स द यंग जनरेशन इज मेकिंग? मेरे ख्याल में तो यंग जनरेशन इतनी अकलमंद है, इतनी सियाणी है, ओह हम काश ऐसे अपने ज़माने में होते। क्या उनके तरीक़ेकार हैं इन्फॉर्मेशन लेने के, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के, वाह 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 क्या बात है, उनको सब कुछ पता है दुनिया के बारे में। जो वो मिस्टेक्स तो नहीं जो बेगाने हैं या बेहतर कर सकते हैं, एक तो खाम खा की वजह से अपने को निगेट करते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं, आप समझ तो लेना पहले, और फिर बिल्कुल बहस करें। अच्छा जी, आपका अगला सवाल है, व्हाट वर द हार्डेस्ट डिसीजंस यू एवर हैड टू मेक एज अ वूमन? कोई भी नहीं एज अ वूमन, ये तो बेतुका सवाल है, यानी मेरे औरत होने के नाते से मुझे भी ज्यादा मुश्किल फैसले, मैंने जो ठाना वो किया, हाँ कैसे किया उसमें जरा औरत मर्द की होती है, हाँ, लेकिन मैंने कभी इसको खास नहीं डाली। जहाँ जाना था ना, वो दरवाजे खटखटाए, जिससे बात करनी थी कि, जो हरकत करनी थी कि, अपना सारा खूबसूरती के साथ, ढंग के साथ, कि आओ मेरे साथ चलो हम मिलके करेंगे, लोगों को शामिल किया, ये कभी नहीं देखा कि वो मजबूत है, ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ, या मुझे ज़बान नहीं आती, मुझे तरीका नहीं आता, जी नहीं। जब आप लोगों को इंक्लूजन करेंगे, ले के चलेंगे, इसलिए नहीं कि उनको कुछ तोहफा मिलेगा, टॉफी मिलेगी, इनाम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि मकसद के सफ़र में मज़ा आएगा, सब साथ आ जाते हैं, कोई भी हो,
प्लीज़ ऐसा कोई फैसला नहीं जो औरत करने के लिए मुश्किल हो या मर्द करने के लिए आसान हो। मर्दों को भी बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। इस खेल में हम बराबर हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू कैन गिव? अपना वक्त मत बर्बाद करो, अपनी सोच, अपनी सलाहियतें मत बर्बाद करो, इनको कब्र में लेके जाना नहीं। एक किताब थी डाई एम्प्टी, जब मरना है तो खाली होके मरो। मैं कहती हूँ नहीं, भर के मरो, जो लेके आए हो वो सब दे दो, और जो नेकियाँ हैं और खुलूस और सारी जो आपके अमाल हैं अच्छे अच्छे और नेकियाँ, उनको लेके जाओ। यही तो मुकाम है सारा, देके अपने को वसीला बनाओ, खुशियाँ पहुँचाओ। पहुँचती हैं ये नहीं, ये भी मेरा काम नहीं है, मेरा काम है वो खुशियाँ देना, हरकत में रहना, और उससे जो मिलता है वो भी मेरा नहीं है, मुझे जो उससे मिल जाती है वो ज़रूर साथ लेके जाना है। और आखिरी सवाल है, आपके यहाँ हमेशा गिर्द एक ऑरा होता है पॉजिटिविटी का, वो क्यों? क्यों? क्योंकि आई थिंक बचपन में मुझे बच्चा होने दिया, मुझे ट्रस्ट किया गया, मेरे पास सख्त डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन का मतलब मुझे पता था क्या करना है, कि मुझे कमरा साफ करना है, होमवर्क करना है, समेटना है, खेल के भी समेटना है, मुझे पता था। मुझे कोई कहने वाला नहीं था बार बार कि आपने ये करना है, लेकिन आई वॉज फ्री। मैं उड़ सकती थी जिधर मर्जी, मैं चढ़ सकती थी जिधर मर्जी, लेकिन शायद ये मेरी खुशकिस्मती है, मुझे पाला ऐसे गया है जिसमें फ़र्क नहीं था कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ट्रस्ट किया गया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे दुनिया का एक्सपोजर मिला। लेकिन बहुत सी ख्वातीन ऐसे नहीं हैं, उनको बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। इसका इंशाल्लाह किसी दिन, लगे रहो तो मेहनत करो तो जवाब मिलेगा, कि हमारी भी कोई आवाज़ बराबर की सुने, हमें भी वही डिग्निटी मिले जो सबको मिलती है। अल्लाह खैर।